हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मलाई से घी। तो बिल्कुल अनोखे तरीके से और सिंपल तरीके से आज हम मलाई से घी निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बिल्कुल अनोखा और नया तरीका है, तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को फुल वॉच करना, तभी आपको ये रेसिपी थोड़ा अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मलाई है। तो ये एक हफ्ते की मलाई है, तो एक हफ्ते ही तक हम इकट्ठी कर लेते हैं मलाई को, और उसके बाद हम मलाई का घी निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा दिन की मलाई आपको नहीं रखनी है। एक हफ्ते की मलाई का आप घी तुरंत निकाल ले, मतलब अच्छा रहता है। उससे ज़्यादा की आप रखेंगे तो मतलब थोड़ी सी मलाई में थोड़ा स्मेल सी भी आ जाती है, अगर आप फ्रिज में नहीं रखोगे तो। फ्रिज में रखोगे तो मतलब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, बहुत ही अच्छी रहेगी आपकी मलाई। चाहे आप 10 दिन या 15 दिन की भी इकट्ठी करके निकाल सकती है। तो चले फ्रेंड्स, निकालते हैं आज हम मलाई से घी। तो यह लेना आपको एक बड़ा बर्तन। तो यह हमने देखिए एक बड़ी सी एक भगोनी ली है, इसमें डालना आपको ये मलाई। यहाँ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। देखिए पानी हमने इसमें डाल दिया है। अब क्या करना है, मलाई को हमें हाथ से पहले अच्छे से मिक्स कर लेनी है। तो इस तरीके से आपको हाथ से मलाई को पहले अच्छे से मिक्स कर लेना फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से, तो देखिए मलाई को हमने यह अच्छे से मिक्स कर लिया। तो यह देखिए फ्रेंड्स, यह पहले इसको हमने हाथ से अच्छे से मिक्स कर लिया। अब आप चाहे तो इसको हाथ से भी फेंट सकते हैं, इसको मतलब मलाई से घी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। अगर आपके पास जो मथने की होती है उससे अगर मथेंगे तो मतलब बहुत ही जल्दी हो जाएगा आपका काम। तो हम क्या करेंगे, इसको हाथ से तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और अगर फ्रिज आपका ये जो मलाई फ्रिज में रखी होगी तो आपको इसमें ठंडा पानी या फिर बर्फ़ डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये बाहर रखी है तो आपको इसमें मतलब ठंडा पानी या फिर बर्फ़ डालनी पड़ेगी। तो हमने यह एक मिक्सी का जार लिया, क्योंकि इससे हमारा काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो देखिए इतनी हमें इसमें ये मलाई डालनी है, और इसको अब हम मतलब अच्छे से चला लेते हैं। चलिए इसको एक बार चला करके लाते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं इसका घी। तो यह देखिए, यह हमने देखिए ये मक्खन निकाल लिया। इसको आपको रुक रुक करके चलाना, एक साथ लगातार आपको बिल्कुल नहीं चलाना, रुकते हुए चलाना। तो देखिए इस तरीके से, देखिए ये मक्खन निकल करके तैयार हो जाएगा। तो पहले इसको हम इस तरीके से निकाल करके सारे मक्खन को निकाल लेते हैं मलाई से। देखिए इस एक बर्तन में आपको निकालते हैं। तो देखिए ये मतलब दूध है, क्योंकि हमने इसमें दही वगैरह बिल्कुल कुछ भी नहीं डाला था, तो ये दूध है। तो इसको आप साइड में निकाल सकते हैं, या किसी मतलब अगर ज़्यादा दिन की मलाई नहीं है तो आप इसको किसी मतलब दही जमा सकते हैं, जैसे कि कढ़ी बना सकते हैं इसकी। तो अभी हम दूध को निकाल लेते हैं साइड में, इसको तो हम साइड में निकाल लेते हैं अलग बर्तन में एक में। चलिए अब इसमें निकालते हैं जो हमने मक्खन निकाला था ना वो। ये देखिए फ्रेंड्स, देख सकते हैं बहुत ही जल्दी निकल जाता है, इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता। देख सकते हैं, आपको थोड़ा पास से दिखाते हैं, देखिए कितना अच्छा मक्खन निकला है। चलिए इसको साइड में रखते हैं, जो बचा है इसको भी हम निकाल लेते हैं। एक बार हम सारे मक्खन को निकाल लेते हैं। देखिए मतलब ज़्यादा भर करके आपको इसको नहीं लेना, क्योंकि फिर ये अच्छे से मिक्सी में चलेगा नहीं और फिर घी आपका अच्छे से निकलेगा नहीं। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने सारा मक्खन निकाल करके तैयार कर लिया फ्रेंड्स। पहले हम मक्खन को साफ कर लेते हैं। ये हमने देखिए ये पहले नॉर्मल पानी डाला है, आप इसमें ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। ठंडा पानी से क्या है, अच्छे से आपका मक्खन अच्छे से निकल जाएगा।
लेकिन एक दो बार हम इसको अच्छे से धो करके साफ़ कर लेते हैं। इसमें बिल्कुल भी जो छाछ है ना वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, दूध छाछ जो भी है। इस तरीके से इसको निकाल करके अच्छे से एक जिस भी बर्तन में आप घी बनाएं उसमें निकाल लेना आपको इसको। चलिए इसको निकाल लेते हैं पहले। तो चलिए अब जो हमने मक्खन निकाला उसको हम एक कढ़ाई में निकाल लेते हैं। इसका पानी हमने सारा अच्छे से निकाल लिया है। तो ये देखिए, ये हमारा देखिए मक्खन निकल करके देखिए कितना सारा तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। ये 6 से 7 दिन की मलाई है। 6 से 7 दिन की मलाई हम इकट्ठी कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका घी निकाल लेते हैं इकट्ठी करने के बाद में। तो इस तरीके से तो बहुत ही आसान तरीका है, और इस तरीके से घी निकालते हैं वो घी भी बहुत ही अच्छा रहता है। आप इसको लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जिसमें से हमने घी निकाला था ये उसमें एक कटोरी दूध निकल के तैयार हुआ। तो ये देखिए, यहाँ हमने गैस को ऑन कर दिया है। देखिए बहुत ही जल्दी हमारे मक्खन से घी बन करके तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो फ्रेंड्स इस तरीके से भी इस मक्खन को काम में ले सकते हैं। वैसे हम यह मतलब इस तरीके से भी रोटी लगाने में काम में लेते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है और हेल्दी भी रहता है इस तरीके का ये वाला घी। लेकिन ये 6-7 दिन से मलाई का रहता है, तो इसीलिए हम इसका घी निकाल करके फिर इसको लंबे समय के लिए रखना है। तो आप इस तरीके से इसको बना करके रख सकते हैं। तो देखिए चलिए अब इसको हम पहले अच्छे से फिगला लेते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बहुत ही कम समय में आपका ये घी बन करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये बहुत ही जल्दी देखिए मिक्स भी हो चुका है। अब थोड़ी देर में इसमें देखिए मक्खन से घी निकलना भी शुरू हो जाएगा, ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा इसमें। देखिए थोड़ी देर में आप देखने लगोगे, जैसे देखिए ये मतलब मक्खन अच्छे से मेल्ट होने लगेगा, उसके बाद देखिए आपको थोड़ा थोड़ा इसमें घी दिखने लग गया होगा। अगर आप अब इसके बाद 1 मिनट और ये अच्छे से पक जाएगा, उसके बाद आपको अच्छे से इसमें घी दिखने लग जाएगा। देखिए बहुत ही जल्दी बन जाता है इस तरीके से। अगर आप डायरेक्ट मलाई से बनाएंगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है, और आपके गैस की भी बचत होगी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए गैस को आप मीडियम कर दीजिए, अगर आपको ज़्यादा मीडियम मतलब लो टू मीडियम पर आप इसको अच्छे से मतलब गैस घी बनने के लिए छोड़ सकते हैं, आप कोई और भी काम कर सकते हैं इसको। तो देखिए ये हमने गैस की आंच थोड़ी धीमी कर दी है, और इसको अब हम छोड़ देते हैं, अच्छे से पक जाएगा आराम से। आपको इसको ज़्यादा तेज आंच में नहीं पकाना वरना घी जल जाएगा, बिल्कुल अच्छा घी बनेगा आपका। चलिए इसको अच्छे से थोड़ी देर 1 मिनट के लिए पकने देते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं हम। तो देखिए यहाँ हमने थोड़ी देर के लिए इसको बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ दिया था। इस तरीके से छोड़ करके आप कोई भी काम भी कर सकते हैं। तो देखिए ये घी देखिए अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, घी हमारा अलग होने लग गया, देख सकते हैं इस तरीके से। 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था धीमी आंच पे, अभी हमने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया और इसको 1 मिनट के लिए और पका लेते हैं। 1 मिनट में देखिए बिल्कुल अच्छे से अलग हो जाएगा आपका घी। आपको इसको अगर इस तरीके से चलाते रहेंगे ना तो कढ़ाई के बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो यह देखिए यह हमने 1 मिनट और पका लिया था, तो 1 मिनट के बाद देख सकते हैं ये देखिए घी आपका बिल्कुल अलग हो चुका है, ये देख सकते हैं। देखिए तो देखिए साइड में देखिए घी बिल्कुल अलग हो चुका है, ये देख सकते हैं। देखिए आपको थोड़ा पास से दिखा, देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा है, क्योंकि ये गाय का दूध का घी है, तो गाय का दूध का घी रहता है तो उसमें थोड़ा सा येलो कलर आता ही है। अगर भैंस का दूध रहेगा तो उसमें बिल्कुल सफ़ेद घी निकलेगा,
चलिए अब इसको निकालते हैं हम। तो देखिए घी हमारा अच्छे से निकल चुका है फ्रेंड्स। तो देखिए अब आपको चम्मच से क्या करना है, इसको साइड में से देखिए इस तरीके से जो घी इकट्ठा हो रहा है उसको एक बर्तन में इस तरीके से निकालते हुए छन्नी से छान लेना है। तो देखिए इस तरीके की हमने ये छन्नी ली है, इससे हम मतलब घी को छान लेते। देखिए चम्मच से इस तरीके से निकालते जाएंगे और एक अलग बर्तन में हम इसको छान लेंगे घी को। देखिए घी को आपको ज़्यादा नहीं जलाना और ना ही इसको ज़्यादा पकाना है। तो देखिए इस तरीके से हम घी को छान करके निकाल लेंगे फ्रेंड्स। और यह देखिए इसकी खुरचन बिल्कुल, देखिए आप देख सकते हैं कितनी कम इसकी खुरचन है। अब हम यह गैस को बंद कर देंगे। ये देख सकते हैं 6 से 7 दिन की मलाई थी और इसमें देखिए ये कितनी कम खुरचन है। अभी तो इसमें से इसमें आधा घी है, पहले हम सारा घी निकालें उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे इसकी खुरचन। तो यह देखिए खुरचन, देखिए हमारी ये देखिए ये जो छन्नी में है ना बस इतनी सी ये खुरचन निकली है हमारी। देखिए इस तरीके से घी निकालने का ये फ़ायदा रहता है, इसमें देखिए आपकी खुरचन बिल्कुल कम निकलेगी, देखिए बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और ये देखिए ये हमारा घी निकल करके तैयार हो चुका है फ्रेंड्स, देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा ये घी निकला है। तो चलिए इसको हम फ्रिज में रख देते हैं 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से ठंडा भी मतलब थोड़ा सा इसको ठंडा करने के बाद रखेंगे क्योंकि अभी ये बर्तन बहुत ही ज़्यादा गर्म है। उसके बाद थोड़ा सा जम जाएगा, उसके बाद आपको दिखाएंगे इसका दानादार घी। तो ये देखिए यह हमने घी को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था, तो देखिए ये इस तरीके से जम गया। तो आप देख सकते हैं घी का ही, ये देखिए बिल्कुल दानेदार घी बन करके हमारा ये तैयार हुआ है। तो देखिए घी हमने फ्रिज में रख दिया था तो ये अच्छे से जम चुका है, बहुत ही अच्छा हमारा ये घी निकल करके तैयार हुआ है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप।